और हम इसको हम जब बचपन में पढ़ते थे गवर्नमेंट एमसी बॉयज हाई स्कूल शाहदरा टाउन में, तो वहाँ पर हम इनको कहते थे, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम इनको कहते थे पा। हम छोटे छोटे होते थे और ये वहाँ पर ये चीज़ें सेल करते थे। एक्चुअली ही इज़ अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, ही टीचिज मैथ टू द हायर ग्रेड्स एज आई सेड अर्लियर इन द लास्ट वीडियो। तो ये इनको आज ये मरुंडा बेचने की या ये चीज़ें बेचने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, हालांकि ये 10-15 स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं? क्या महंगाई का लेवल इस हद तक बढ़ गया है कि स्टिल ही नीड्स टू सेल दीज प्रोडक्ट्स व्हिच यू कैन सी हियर इन द कैमरा? तो द थिंग इज़ के वी नीड टू थिंक अबाउट इट, वी नीड टू केयर अबाउट इट, वाई दिस रॉन्ग थिंग इज़ हैपनिंग हियर इन पाकिस्तान। तो मैं चाहूँगा कि पा साहब भी कुछ डिस्कस करें, कुछ बताएँ। पा जी बोलो की टाइम होंगे सन, क्यों ये चीज़ा हजे तक नहीं छुट पाइया ताले को, हालांकि तुसी माशाल्लाह रियाजी सिखाते हो बच्चों को? बस घर की मजबूरी की वजह से। बता रहे हैं कि घर की मजबूरी की वजह से, की चक्कर है? मतलब इन्नी तुसी दूरों आते हो कि 10-15 स्टूडेंटा नु मैथ पढ़ाते हो रियाजी, तो फिर क्यों गुजारा नहीं होता? महंगाई बड़ी है, वक्त ऐसा है, ये फरमा रहे हैं। ते कितने बच्चे जो ताड़े हैं? दो बच्चे। ते की कर रहे ने बच्चे? एक बच्चा बाहर हूँ। अच्छा। लेकिन एम बी ए की। अच्छा। उन नौकरी नहीं मिली। एम बी ए की था, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। हाँ जी। अच्छा, कदों एम बी ए की था? पिछले साल की। पिछले साल की था। तो अप्लाई किया कि नौकरियाँ? नौकरियाँ अप्लाई की, पैसे बड़े मांग। कितने पैसे मांग रहे हैं? 2 लाख 3 लाख मांग। ये पास अब फरमा रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख रुपया जॉब का मांगा जा रहा है इनके बेटे से। एमबीए उसकी क्वालिफिकेशन है लेकिन जॉब नहीं मिल रही, यही वजह है कि उनको ये प्रोडक्ट सेल करनी पड़ रही हैं। अगर उनके बेटे को नौकरी मिल जाए तो मेरा ख्याल है उनको ये चीज़ें बेचने की ज़रूरत ना पड़े। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ और आपके बेटे को कम अज़ कम इतनी जॉब मिल जाए कि आपको ये काम ना करना पड़े, आप हैप्पीली सिर्फ रियाजी ही सिखाएं, जो कि अल्लाह पाक ने आपको बहुत इल्म दिया है रियाजी का। अस्सलाम वालेकुम।